अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार जो न्यूज़ चैनल। आज कोलार वार्ड नंबर 22 न्यामदी मोहल्ले में न्यामदी मोहल्ले के काउंसलर मोहम्मद रफ़ी और उनके नौजवान साथियों और कोलार जेडीएस के लीडर हजरात और सीएमआर के चाहने वाले, श्रीनाथ के चाहने वाले कम से कम हज़ारों की तादाद में आज वार्ड नंबर 22 का दौरा करते हुए हर फर्द से, हर नौजवान से, हर घर के फर्द को, हर घर के बेलिस तक जाकर जेडीएस के हक़ में वोट मांगते हुए और सीएमआर श्रीनाथ के हक़ में वोट मांगते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार टू न्यूज़ चैनल की तरफ से। और वार्ड नंबर 22 के नौजवानों का जोश और जज्बा ऐसा था कि कम से कम एक ही जगह पर होने वाले जेडीएस के कैंडिडेट सीएमआर श्रीनाथ को 50 के हार डालते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार न्यूज़ चैनल की तरफ से। और हर गली में उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हुए उनका स्वागत किया गया और सीएमआर श्रीनाथ के हक़ में वहाँ के नौजवानों ने क्या कहते हैं, आइए आप और हम सुन सकेंगे वहाँ के नौजवानों की ज़ुबानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शुक्रिया। आज हमें सीएमआर को 22 वार्ड में हमें पूरे मिल को हमारी वार्ड से ब्लॉक हुई कैंपेन के वास्ते। ये बार पूरे कोलार की आवाम से गुजारिश है, खासकर माइनॉरिटी से, ये सब मिल को ये बार सीएमआर राणा को काम करो। ये हो तो कोलार के लोकल लीडर है, इन्हें आ रहा उन्हें आ रहा रखो झपले को रोना को। ये हो तो गाँव का आदमी काम कर को दिखा तो है, उसके वास्ते सब मिल को तुम्हें हमें मिल को सब मिल को एक बार ये बार गाँव के आदमी को काम कर को क्या इसकी हमारा गाँव का मसला हल कर लीजिए। ये बात बोलते हैं मैं अपनी बात खत्म कर सीएमआर श्रीनाथ आपको कैंपेन कर रही है 22 वार्ड में। और ये बार सीएमआर श्रीनाथ को पूरे मुसलमान काम करना। और एक बात क्या कर तो सिद्धरामैया आ रहा, इन्हें आ रहा, उन्हें आ रहा, उसके पीछे जाना जौनों को, क्यों 4 से काम कर लगा रहा आदमी, उसके वास्ते इन्हें आगे भी काम करता हो। गाँव का आदमी होम का सोचो, उनके पास पैसे ले लो, उनके पास पैसे ले लो, जौनों को बेकार का होम का हिस्सा सोच को, होम की इज्जत बचाना का तो काम करो। हंसे अंदर लती अदर लती उधर लती उन्हें होता चलेगा चलेगा आदमी आता है नहीं उन्हें आग रहती भरोसा देता लिया स्पाइट को खड़े होता है बेकार उन्हें चला गया उसे भूल जाओ क्या भी नहीं उन्हें आता भी नहीं हो। एक स्पाइट खड़े थे वो भी खत्म होगा। बीजेपी वाला बोलती है हमें जेडीएस के जेडीएस भी हमेश कंपटीशन चलता सो गति जेडीएस भी हमेश कहती बीजेपी वाले कांग्रेस वाला बोलती है जेडीएस भी हमेश तो तब को जेडीएस विन हो गया। सो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले उन्होंने वन दो सेकंड प्लेस हम भाई सो फर्स्ट प्लेस तक जेडीएस से पता है इनको कहता हुआ तो भी जेडीएस विन हो गया। अब ऑलरेडी एक जना बोलता है 1.5 लाख वोटा जब में ही गता चल बा सुबह इलेक्शन करता लेंगे है ही नहीं 1.5 लाख वोटा इलेक्शन कर लिंग चल सुबह ही चुपके गई को अब होता दिन जपना से कुछ समाज कर लिंग चल इलेक्शन ये सभी होने जाने के पता नहीं गाँव का आदमी डालो वोट जेडीएस चुपके गई को यहाँ वहाँ गए तो बेकार उन्हें बेंगलुरु में हताश हो मैसूर में हताश हो गाँव का आदमी कोलार में होता जाको वोट पूछे वोट डाले बाद हक पूछे जा हमारा जाको चुपके पैसे लग इनके पीछे जाको फायदा नहीं उसके वास्ते जेडीएस को वोट डालो इंशाल्लाह इसे जीतो इंशाल्लाह इन्हें काम करता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज का दिन जो है बड़ी खुशी ही मसरत का दिन है। आज वार्ड नंबर 20 पर दो और न्यामत की तरह के अंदर सारी आवाम मिलकर जो है हमारे होने वाले कोलार के 2020 पर 3 में जो एमएलए बनने वाले हैं सीएमआर श्रीनाथ राणा को वेलकम करके उनको बुला को जो हमें इज्जत दे रही आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन्हों कोलार के अंदर जो है लीडिंग से इंशाल्लाह 50,000 लीडिंग से उन्हें जीत लगाती है इंशाल्लाह उनकी जीत पक्की है। उनकी जीत 5 एक ही ब्रांड कोलार तालुक में फिरता था वो ब्रांड जो है सीएमआर श्रीनाथ का ये एक ही ब्रांड था। तब हमारे कुमार स्वामी साहब पंचरत्न योजना के जरिए से कोलार के अंदर आकर उनको कैंडिडेट जब अलग करे उसी दिन उनकी जीत हो गई उसी दिन उन्होंने जीत लिए। आने वाले दिनों में वो जो सीएमआर श्रीनाथ है उन्हों लीडिंग से इंशाल्लाह जीतेंगे। हम सब मिलकर जो है ये जो जो भी ये हमारा नौजवान भाई है इन्हों सब जो है ये हमारा भंडवल है इन्हों मेरे इलेक्शन में भी दिलो जान से जद्दोजहद कर मुझे काम कर मेहनत कर जिताए हैं। आने वाले दिनों में हम सब एक मुट्ठी बनकर एकजुट होकर
हम जेडीएस को काम करेंगे। हम कोलार के आवाम से भी कहना चाहते हैं कि हम हमारे कोलार के हमारे जो माँ प्यारे से भाई और माँ और बहने हैं घरों के अंदर, उन सबको कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में किसी की बात मत सुनिए। कोलार के अंदर एक ही शख्स ऐसा है जो अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, कोरोना के वक्त में, बारिशों के वक्त में, हर वक्त में एक ही सिंबल आकर काम किया है, वो सीएम आर श्री रहता है। वो एक ही सिंबल आकर काम किया है। आने वाले दिनों में किसी के बहकों में मत आइए, किसी के बातों में मत आइए। एक ही आदमी को देखिए, कोलार के रहने वाले सीएम आर श्री रहता ना, उन्होंने इंशाल्लाह सामने जो है 2020 में उन्होंने लीडिंग से इंशाल्लाह जीत लगाते। हम सब मिलकर इंशाल्लाह उनको लीडिंग से जीता लगाना है और आने वाले दिनों में हमारे गांव को अच्छा करना है, हमारे मोहल्लों को अच्छा करना है, हमारे गलियों को अच्छा करना है। इंशाल्लाह ये सब जो है मैं इनको दिल को गहराई से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब मिलकर हमारे साथ में एकजुट होकर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनको जीता कर ले इंशाल्लाह जरूर जरूर लेकर आएंगे। शर्मिंदा है उनके दम से आजादी के तारे नेता जिंदा है। जिसने वतन पे पाई शहादत मुर्दा उन्हें तुम मत कहना, हजरत टीपू सुल्तान हर गाजी के दिल में जिंदा है। मेरा टीपू शेर में सूर है,
अंग्रेजों के मंसूबों को जड़ से उखाड़ा है। मिट के वतन पे अपनी शुजात का भी परचम गाड़ा है। बाजू में है दर की ताकत और जिगर फौलाद का है। इंसान को इंसान टीपू ने शेर का जबड़ा फाड़ा है। मेरा टीपू चिरे में सूर है, के सच्चे मुजाहिद गाजी ये मैदान। जिनको अपनी जान से प्यारी अपने वतन की आन, टीपू जिनका नाम है वो हर गाजी की है शान। एक कर्नाटक क्या है बोले सारा हिंदुस्तान। मेरा टीपू शेरे में सूर है, हम ना भूलेंगे एहसान कभी। मिट नहीं सकती उस गाजी ये अव्वल की पहचान कभी। मेरे वतन के हर बच्चे में हक के जुनून की खुशबू है। हिंदुस्तान के फूलों में टीपू के खून की खुशबू है। मेरा टीपू शेर में सूर है, जापान हो लंदन नाम सुन के दहलता है। हर गाजी के सीने में टीपू का जज्बा पलता है। बरसों गुजरे सदियां गुजरी अंग्रेजों से जंग किए। आज भी मैदान जंग में टीपू का सिक्का चलता है। मेरा टीपू शेरे में सूर है, मेरा टीपू शेरे में सूर है। किनारे खड़ा करो, किनारे पहले ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ। ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ। ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ। ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ। ಸಾಲದ ತೆಗೆದಿ ನೀವಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೊಸ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲೆ। ಸಾಲದ ತೆಗೆಯುತ್ತೀವಿ ನೀವಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೊಸ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲೆ। ಇನ್ನೆಂದು ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು। ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತಂದು ತುಂಬಾನೇ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟೋದೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನೀಡಿರಿ ಜೊತೆಯ ತುಂಬಾನೇ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟೋದೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನೀಡಿರಿ ಜೊತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಜನೆ ತರುವೆವು ರಜವೇ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತರುವೆವು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಇರದು ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಇರದು ಸಾಲಾನೆ ಮಾಡತಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆಯುವಂತ ರೈತ ಯೋಜನೆ ಸಾಲಾನೆ ಮಾಡತಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆಯುವಂತ ರೈತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ತಂದಾಯ್ತು ರೈತರ ನಿಮಿಗಂತ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ